भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा के बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरण को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के मोदी की गारंटी घोषणा पत्र को लेकर विशेष चर्चा की। आइए देखते हैं भाजपा प्रवक्ता के एस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ पेशकश में चुनावी चर्चा में। आज हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष के एस चौहान मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर और जो समीकरण अभी बन रहे हैं, ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई है उसे लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। दर्शकों को बताना चाहूंगी, शादी बोलती है कर के दे और चुनाव बोलता है लड़ के दे, और इन दिनों जो ऊहापोह की स्थिति प्रत्याशियों में पार्टियों में बनी हुई है उसे लेकर चर्चा करना तो बनता ही था, इसलिए मैंने आज उन्हें आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा रहा मेरा एग्जाम? अरे बहुत जबरदस्त। तो चुनावी समीकरण को लेकर अगर हम बात करें तो दुर्ग में कैसी स्थिति है, क्योंकि आप एक जिला उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। दुर्ग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, और ये स्थिति शाहिन जी एक दिन में नहीं आती। ये काम देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी टेस्टेड और ट्रस्टेड हो गई है। टेस्टेड भी हो गई है और ट्रस्टेड भी हो गई है। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार का काम देखा, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है उसने उसका अपना काम देखा, तो उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है, ट्रस्टेड हो गई है और टेस्टेड हो ही चुकी थी। तो सिर्फ दुर्ग ही नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उसका अच्छा प्रतिफल 3 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर को लगभग अभी काफी दिन बाकी, उसके पहले हमें मतदान वाली प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का प्रदेश में आगमन देखा जा रहा है जी। योगी आदित्यनाथ हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्या भाजपा अपने आप को यहाँ पर उसकी स्थिति अपने आप की मजबूत नहीं मानती? टीम वर्क मान लीजिए कि आपकी क्रिकेट टीम, और अगर आप किसी और कोच को बुलाते हैं अपना खेल सुधारने के लिए या अपने खेल को और बेहतर करने के लिए, या जो अनुभव साझा करते हैं वो जनता के साथ अपने केंद्रीय मंत्री हों या जनप्रतिनिधि हों, जननेता हों, जब वो अपना अनुभव साझा करते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों इस समाज के लिए, क्यों इस विचारधारा के साथ हमें जुड़ना है, तो ये वो अपने अलग अलग अनुभवों से अपने अलग अलग ढंग से बताते हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है जी। इसलिए आने का दौर जारी जी। हम दुर्ग विधानसभा की तो बात की अभी हमने, अब भिलाई नगर विधानसभा की अगर बात करें तो हाल ही में कल ही प्रत्याशी रहे और विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता लिखकर कहा कथित पार्टी, कथित क्यों, हम भारतीय जनता पार्टी का ही नाम लेंगे क्योंकि विपक्ष में वही, उन्होंने जो उनको बदनाम करने की एक साजिश रची एमएमएस के माध्यम से, वीडियो वायरल किया, क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता अच्छी? देखिए, ये वीडियो किसने वायरल किया है नहीं किया है जो, वो तो बात की बात है। सबसे मेन बात यह है कि आपका वीडियो आता है, आपका तथ्य आता है, आपका एक फैक्ट आता है, और बिना किसी आधार के कोई भी, जहाँ जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ आग लगी हो वहीं से धुआं उठता है, तो बिना किसी आधार के ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, बिना कोई फैक्ट के ये बात होनी हो सकती भाई। लेकिन आप तो आधार ही बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने ऐसा किया। आपके पास आधार क्या है? जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है वो तो वो वीडियो ही वो आपका आधार है जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जांच के लिए दिया हुआ है। बिल्कुल, आप जांच करवाइए ना, कौन मना करता है। और जैसे कि पिछली बार हुआ था एक एमएमएस, और जब 2018 में रिलीज हुआ था उसमें दोषी पाए गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं जेल के अंदर डाला गया और जेल में इस वजह से उनको आरोपी बनाया गया था। तो आपके पास अगर ऐसी कुछ आधार है तो आप उनके ऊपर लगाइए आरोप,
और क्या बोलते, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये तो पूरा कानूनी कार्रवाई और कानूनी हस्तक्षेप का मामला है, इसमें जुबानी जंग नहीं होती है। आपके सामने अगर कुछ चीज आई है, वो आधार है, आप बिना बिना आधार के आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिसका आपके पास कोई आधार नहीं है। तो आप इस तो आरोप को आधार मानते हैं? देखिए, ये तो मतलब बिल्कुल, जब आपके पास कोई फैक्ट ही नहीं है, बिना सबूत के, बिना फैक्ट के, बिना किसी चीजों के, आप कोई भी, आप किसी के ऊपर भी दोष मार देंगे, ऐसा नहीं होता। दोषारोपण की बात करें तो अभी 24 घंटे के अंदर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, महादेव ऐप को लेकर, कथित व्यक्ति द्वारा, या फिर कह सकते हैं नाम ही ले लेना, शुभम सुनील शायद उनका नाम है, और सरेआम वो फेसबुक में लाइव डालते हैं कि उन्हीं के नाम से वो आईडी है, और इसमें दिग्गज मंत्रियों को लपेटते हुए बयानबाजी करते हैं। इसमें कितनी सत्यता है कि ये चुनावी स्टंट है? नहीं, देखिए, जो शुभम सोनी जी ने बताया है वो अपने मुख से बताया है, लेकिन इस टाइप की चीजें होती हैं और इस टाइप की चीजें लोगों को कहीं ना कहीं ये जहन में भी थी, जनता को, कि बिना वहां के सरकारी तंत्र के या बिना सरकार के हस्तक्षेप के या बिना सरकार के सपोर्ट के ये सब चीजें नहीं हो सकती, और गिव एंड टेक का मामला होगा, ये तो लोगों को पता ही था। और जो कि पहले भी 508 करोड़ रुपए का इनके ऊपर इल्जाम लग चुका है, और जो वर्मा जी हैं वो इनके पॉलिटिकल सलाहकार हैं, पॉलिटिकल सलाहकार हैं, जिनको करोड़ों रुपए दिया गया है, और इसी वजह से आपने मतलब कई लोगों के तबादले भी किए हैं। और जब ईडी रेड मार देती है, 5 करोड़ 47 लाख रुपए, 37 लाख रुपए लगभग जब पकड़ा जाता है, बरामद हो जाता है, उसके बाद यहाँ के जो सरकारी तंत्र है वो उसको जानबूझ के दिखाने के लिए अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। और एक बात बताइए कि आप बोलते हैं कि केंद्र को बंद कर देना चाहिए था, खैर केंद्र ने तो बंद कर दिया, लेकिन आप ये बताइए कि 1.5 साल से आपके यहाँ ये प्रकरण चल रहा है, धारा आईटी एक्ट धारा 69 अ के द्वारा, अ के अनुसार आप इसमें पहले ही बैन कर सकते थे, राज्य सरकार पहले ही बैन कर सकती थी, तो आपने 1.5 साल तक क्यों उसको होने दिया? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका लाभ होगा, जैसे कि लाभ आपने शराबबंदी में किया, शराब बेचने में किया, शराबबंदी का वादा करके आपने उसको 5 साल रगड़ दिया, और आप अभी बोलते हैं कि वो वादे तो स्टैंड है, इसका मतलब आगे चल के जो वादे रहेंगे वो भी स्टैंड होंगे। तो बात हम घोषणा पत्र की करते हैं, दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र जो जारी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र के आगे कांग्रेस का घोषणा पत्र 20 है। एक किस्सा याद आता है शाहिन जी, एक गायक रहता है, वो अकबर के दरबार में आता है, और वो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध होके ना वो सुनाते रहता है, अकबर बहुत खुश हो जाता है, क्या मजेदार आपने अपना सुनाया है, गायन सुनाया है, जाओ मैं तुम्हारे को इतने जीरे हीरे देता हूँ, इतने जवाहरात देता हूँ, इतने हाथी देता हूँ, आपको 500 अशरफियां देता हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो वो गायक अपने घर चले जाता है, बोले उसकी अपनी बीवी को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन लोग दोनों इंतजार करते रहते हैं, अगले दिन भी इंतजार करते रहते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, उनके कोई सैनिक नहीं आते हैं देने के लिए भेंट। तो ये आता है फिर अकबर के पास आता है और पूछता है कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोला था? बोले हाँ बोला था। तो बोले अभी तक तो मेरे पास सामान नहीं आया। तो वो बोले कि आपने मेरे को गायन सुना के मेरे कानों को खुश किया, और मैंने वादा कर कि आपके कानों को खुश किया, इसमें सामान का लेन देन कहां से आ गया? तो ऐसे ही है इनका घोषणा पत्र, जो कि वादा करते हैं 18 लाख युवाओं को, 10 लाख युवाओं को देंगे और 1,16,000 को देते हैं, और वादा करते हैं विधवा पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, स्व सहायता समूह के कर्जा माफी का, और उसके बाद आप बोलते हैं कि कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो किसानों का कर्जा भी मतलब अल्पकालीन किया जाता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं किया जाता, अल्पकालीन में भी अपेक्स बैंक का और राष्ट्रीयकृत बैंक का छोड़ दिया जाता है, उसमें भी 23 लाख पंजीकृत किसान है, उसमें भी 13 लाख किसानों को दिया जाता है, उसमें भी
हर साल अलग 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 किसान करके पांचवे साल आप 13 लाख 16 हजार किसानों को देते हैं, तो ऐसे ही इनके घोषणा पत्र हैं। अब शराबबंदी का वादा करते हैं तो उसमें बोलते थे कमेटी बिठाया, तो कमेटी बिठाने का वादा आपने नहीं किया था हमारी माताएं और बहनों के साथ, आपने वादा किया था शराबबंदी का, कमेटी बिठाने का वादा नहीं किया था आपने, तो कमेटी बिठा के अपना आप इसमें पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जैसा आप बोलते हैं कि ये वादा स्टैंड रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपने अभी जो वादे की, जो आपने पहले वादे किए थे तो 5 साल के लिए थे, वो 50 साल के लिए नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी भी आप वादे कर रहे हैं उसको भी अगले साल बोलेंगे कि ये स्टैंड वही रहेगा, जो वादे नहीं हुए हैं पूरे वो हम वादे आगे करेंगे, ये ऐसा घोषणा पत्र होता है। और घोषणा पत्र कौन सा बताइए, आपने केजी टू पीजी के बात की है, तो कौन सा आपने स्कूल नया खोल दिया है, कौन सा कॉलेज खोल दिया है? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2003 में एक जो कॉलेज था नर्सिंग का उसको 85 कॉलेज कर दिया, ये जो दो मेडिकल कॉलेज थे उसको 15 कॉलेज कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज 10 थे उसको 76 कर दिया, तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा विकास किया। लेकिन आपने क्या किया, आपने किया क्या, आपने आत्मानंद बोलते हैं 20,000 स्कूल हैं हमारे 20,000, उसके बाद आप जो वो आते हैं आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी, उनके सामने आप 47,600 लोगों को वादा करते हैं कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 25,000 में घर बनता है, और कितने को किया, आपने वादा किया 47,600 का, लेकिन कितने को किया, लगभग 1,000 लोगों को इन्होंने गोली दी, गोली इसको सही बोलते हैं कि गोली दी, कि 1,000 लोगों को तो 25,000 मिल गया, अभी 47,000 लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद 17.5 लाख लोगों को भी 25,000 मिल जाएगा, तो ये क्या है, ये सरासर लोगों को ठगना, लोगों को मतलब जनता को जनता नहीं समझना, आप कुछ भी वादा कर देंगे और मतलब उसको पूरा ही नहीं करेंगे, मतलब ये जनता के मुंह में तमाचा मारा है, घोषणा पत्र तमाचा है, बिल्कुल तमाचा है, जो आपने पुराना नहीं किया है वो तमाचा नहीं है तो और क्या है, आपने वादा किया ना, आपने बोला था आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे, आपने बोला था अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, आपने बोला था लोकपाल बिल लाएंगे, कहां लाए आप, तो ये क्या है, ये मुंह में तमाचा नहीं है तो और क्या है। शाहीन जी इन्होंने ये भी वादा किया था कि 200 फुट पार्क कर देंगे, इन्होंने ये भी वादा किया था कि एक श्रमिक को एक रूम का हम आवास बना के दे देंगे, आपने कुछ भी नहीं बनाया, ये तमाचा नहीं तो और क्या है। तो फिर प्रेस वार्ता लेकर विजय बघेल जी जो अपने सांसद है उन्होंने क्यों आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नकल मारने के लिए एक बिल्कुल नकल मारी है, बिल्कुल नकल मारी है, क्यों आपने रोक के रखा था अपना घोषणा पत्र, क्यों आप रिलीज नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको अपने कामों पे विश्वास नहीं है, अपने वादों पे विश्वास है। 2018 के बाद आप यही तो करते हैं, आपको लोगों ने देख लिया कि आप कितने वादे करते हैं, कितने काम करते हैं, आप वादा करते हैं, वादा करने में आप नंबर वन है, उसके बाद आप जितने भी मध्यावधि चुनाव हुए हैं आप कामों के आधार पर नहीं जीते हैं, आप वादों के आधार पर जीते। खैरागढ़ का जो चुनाव हुआ उसमें बोला कि आपने जिला बना देंगे, जिले में 30 से 40 करोड़ रुपए लगता है उपचुनाव, हाँ उपचुनाव है 30 से 40 करोड़ रुपए लगता है, वहां पर आपने क्या बोलते हैं 2 करोड़ रुपए भी दिया क्या, अभी 2 साल हो रहा है, होने को आ रहा है 2 करोड़, 6 जिले आपने बनाए वहां पर आपने 2-2 करोड़ रुपए भी नहीं दिया जिला बनाने के लिए, ये तो आपके वादे हैं। 4,948 गौठाने में जब कार्यकर्ता जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक गौठान भी अपने नॉर्म्स में नहीं निकलती। आप बोलते हो कि 243 करोड़ लगभग का गोबर खरीदा गया, कहां से, ये कौन बोल रहा है, तो सदन में इनके मंत्री बोल रहे हैं 243 करोड़ का गोबर खरीदा गया और वर्मी कंपोस्ट खाद से कितना पैसा आए तो 37 करोड़ रुपए आए हैं लगभग बोलते, और बाकी का गोबर कहाँ गया, तो बोलते भुआ गया, ये तो आपके वादे हैं। थोड़ी चर्चा अपने जिले की और अंचल की राजनीति की करें तो वैशाली नगर विधानसभा जो काफी सुर्खियों में रहा है, सबसे सेंसिटिव ये जो माना गया
यहाँ पर स्थिति आप भारतीय जनता पार्टी की कैसी देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बागी जो हैं काफी, एक जयप्रकाश यादव भी मैदान में है दमखम के साथ, दिगेश सेन के अगेंस्ट में हैं कई बगावती लोग। देखिए देखिए, ये इंडिविजुअल किसी की डिसीजन जरूर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में जो लड़ा जाता है वो पार्टी है, और उनकी विचारधारा से अभी कुछ नेता यहाँ के जो नेता हैं वो भी सम्मिलित हुए हैं। तो तुलसी साहू की बात करें, तुलसी साहू जी हैं, राजेंद्र जी हैं, अरोरा जी, राजेंद्र जी तो इन्हें वो कहलाते हैं। दुर्ग की राजनीति की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र जो दुर्ग है वहाँ पर अरुण वोरा प्रत्याशी काफी भारी पड़ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के ऊपर, ऐसा चर्चाओं में है, सर्वे रिपोर्ट ही बताती है, क्या मानेंगे? और कई ऐसा वो है कि लोग बोलते हैं हम प्रत्याशी जो बीजेपी का उसे जानते भी नहीं, क्या अच्छा नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था? आप एक बात बताइए, सरोज पांडे जी पहली बार चुनाव लड़ी थी, उसके पहले उनको कोई नहीं जानता था, आज राष्ट्रीय स्तर की नेता है। डॉक्टर तमीर लड़े थे वो जीत के आए थे, चंद्रिका चंद्राकर जी लड़ी थी उसके पहले उनको कोई नहीं जानता था। पहली बार जो प्रत्याशी उतरता है वो उसको आम जनता उतने अच्छे से नहीं जानती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है तो कोई भाई भतीजावाद के कारण नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको टिकट दी है तो वो काम करने के लायक हैं, काम टिकट के लायक हैं और विधायक बनने के लायक हैं, इस वजह से उनको चुना गया है ना, ऐसे तो नहीं चुना गया। प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी और जटिल होती है शाहिन जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जब टिकट बांटने वाले जो रहते हैं वो इतने एंगलों से सोच रहे हैं, हम लोग तो 2-3 से एंगल से सोचते हैं, लेकिन वो इतने एंगलों से सोचते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, और उस एंगल से पास होके आना ये अपने आप में कीर्तिमान है। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो राज्य गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ललित चंद्राकर के अगेंस्ट में है, पूरा उनके आमने सामने की लड़ाई है, उनकी एक अलग ही छवि है ग्रामीण क्षेत्रों में साहू जी की, क्या समीकरण बैठता है वहां पर, क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी? बिल्कुल मारेगी, क्यों नहीं मारेगी? भारतीय जनता पार्टी के जो ललित चंद्राकर जी हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से, और जब से वो सक्रिय हुए हैं उन्होंने मतलब हमेशा फील्ड में ज्यादा रहे, और जब भी वो जाते थे तो मतलब चुनाव रहे या ना रहे वो अपना टिफिन का डब्बा अपने गाड़ी में रख के निकलते थे, और 2400 घंटे वो राजनीति में रहे, और कई बार जितनी बार ताम्रध्वज साहू जी वहां पर राउंड नहीं लगाए होंगे उससे ज्यादा ग्रामीण में ललित चंद्राकर जी ने राउंड लगाया है। ललित चंद्राकर जी ऐसे ही ग्राउंड लेवल में लगे हुए नेता हैं, उनको ऐसा नहीं कि हवा हवाई में किसी ने टिकट दे दिया, जी नहीं, बिल्कुल 100% ललित चंद्राकर जी जीत के आएंगे। इस प्रश्न के पहले हमारा जो प्रश्न था उसके उत्तर में आपने बोला था कि कई एंगलों से देख करके पार्टी जो है प्रत्याशी घोषित करती है उसको टिकट देती है। मैं आपको जोड़कर एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा आप राजनीति में काफी सक्रिय हैं और आपका काम जो है सर चढ़कर बोलता है मेरे स्टूडियो में, फिर आप 15-20 दिनों में आपकी आमद होती है, क्योंकि ये जानकारों से हम करते हैं सवाल जवाब, क्या आपकी तरह भारतीय जनता पार्टी का ख्याल नहीं किया नए चेहरों में युवाओं को मौका देने के लिए, क्या आपको मौका देना नहीं था भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मैं वही बोला ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी हम तो 2 या 3 एंगलों से ही सोचते हैं, लेकिन जो बैठे रहते हैं टिकट देने वाले वो बहुत ज्यादा एंगलों से सोचते हैं। दूसरी बात ये होती है कि किसी चीज को पाना से ज्यादा जरूरी है किसी चीज के लायक बनना। जब आप किसी चीज के लायक बन जाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि हम सब साइकिल खरीद सकते हैं लेकिन हमारे पास साइकिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइकिल नहीं खरीद सकते, हम लायक हैं, हम कभी भी जाके साइकिल खरीद सकते हैं या कार खरीद सकते हैं, जो भी है। तो किसी चीज के लायक बनना ज्यादा जरूरी रहता है, और भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क के हिसाब से चलती है। आप ये नहीं बोल सकते, उसका हर खिलाड़ी ये नहीं बोल सकता है कि आप मेरे को कप्तान बनाओगे तो मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। एक क्षेत्र रक्षक फील्डर जो होता है वो अपनी भूमिका निभाता है, एक कीपर जो रहता है वो अपनी भूमिका निभाता है, एक बॉलर जो रहता है वो अपनी भूमिका निभाता है, और एक बैट्समैन जो रहता है वो अपनी भूमिका निभाता है, और एक जो कप्तान रहता है
वो अपनी भूमिका निभाता है और जो कोचेस रहते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये मिला के टीम बनती है। और हमारे को जो भूमिका या कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को जो भी भूमिका दी गई है वो बहुत ही बखूबी से निभा रहा है। आपको अभी ऐसा कभी नहीं लगेगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि 2019 में हमारे सभी लोकसभा के प्रत्याशियों को बदल दिया गया था। शाहीन जी 11 के 11 लोकसभा प्रत्याशियों को बदल दिया था, लेकिन आप देखिए उन सभी प्रत्याशियों ने पुरजोर अपना काम किया वहां पर, और उसके बाद हमने 10 में से 9 सीटें आज भी हमारे पास हैं। वो हमारे, ये हमारा कैडर बेस्ड, ये है हम जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए। वो विचारधारा के साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हुए कि हमारे कप्तान बनाओगे तब हम उस विचारधारा के साथ है ना, विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है। और कभी भी किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के लिए उसका दल सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समाज सेवी हैं, कुशल नेतृत्वकर्ता हैं, आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दो शब्द बोले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने में 100% लोग भाग नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है। ग्रैंड एशियन के माध्यम से आप मतदाताओं को जागरूक कर दे अपने शब्दों से। दोस्तों हम राजनीति में भरोसा रखें या ना रखें, हम राजनीति में इंटरेस्ट रखें या ना रखें, लेकिन राजनीति आप में जरूर इंटरेस्ट रखती है। राजनीति उस पे भी इंटरेस्ट रखती है जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीति ही डिसाइड करती है कि यहाँ का सिस्टम कैसा होना चाहिए, और सिस्टम का पूरा जो प्रभाव पड़ता है वो इस आम जनता, हमारी जनता और हम सब पे पड़ता है। और ये समझ के चलना कि दल हमारा नेता है, दल हमारा मालिक है, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। राजनीति जो होती है वो राज्य के लिए नीति होती है, राज करने के लिए नीति नहीं होती है। तो राजनीति रहती है जो वो जो जनता है, सरकार जो है वो सर्व के कार्य के लिए होती है। तो हम मालिक हैं, हम जनता मालिक हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे सेवक हैं, वो हमारा हम चुनेंगे उनको और हम अपना काम कराएंगे, और जिसको हम चुनेंगे वही हमारा सेवक होगा। तो हमारे को चुनना जरूरी है, और ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है और सबसे बड़ा हक भी है। इस वजह से हम 7 तारीख और 17 तारीख को मतदान करने जरूर जाएं, ये हमारी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौहान सर हमारे स्टूडियो में आने का, चुनावी चर्चा और बहुत सारी जानकारियां देने का।